नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज़ मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं YouTube के ऊपर है। YouTube के कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे, जिसमें कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जो डेटा आप लोगों को मिलता है और उसका यूज़ जब आप करते हैं, तो आपने देखा होगा कि काफ़ी जल्दी आपका डेटा जो है ख़त्म हो जाता है। 1 GB हो, 1.5 GB हो, 2 GB हो, और YouTube का इस्तेमाल हम सभी लगभग हर दिन करते ही हैं। तो दोस्तों, अभी आप जैसे ये स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो ऑटो प्ले में ये वीडियो चल रहा है, इसे हमने अभी चलाया नहीं है, लेकिन ये ऑटो प्ले में चलने लगा है। ये YouTube जब अपने नए अपडेट्स लेकर आता है, तो वहाँ पर ये ऑप्शंस आने लगते हैं। अब दोस्तों, मैं आपको आज जो सेटिंग्स बताऊँगा, आप चलेंगे यहाँ पर, ये देख सकते हैं योर डेटा इन यूट्यूब। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि आपका किस तरीके का डेटा है, और आप यहाँ पर क्या क्या जो है आपने यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं, किन किन चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। ब्राउज और डिलीट योर यूट्यूब एक्टिविटी एंड डिस्कवर हाउ योर डेटा मेक्स यूट्यूब एंड अदर गूगल सर्विसेज वर्क बेटर फॉर योर। यहाँ देखिए कुछ प्लेलिस्ट हैं दोस्तों, 42 सब्सक्रिप्शंस हैं। इसी के साथ आप मोर पर जाएंगे तो एक परचेज है, 52 कमेंट्स किए हुए हैं। यहाँ से आप अपने YouTube के डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं YouTube वॉच हिस्ट्री यहाँ पर ऑन है, और ये इस तरीके से ही जो है दोस्तों, यहाँ पर आप अपने डेटा को देख सकते हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सेटिंग्स में, जहाँ से ये जो मेन वीडियो आज का हमारा है। आप यहाँ जनरल सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ दोस्तों, ये जो ऊपर के दो ऑप्शन दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। ये आपको रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक, अगर आप बहुत ज़्यादा यूट्यूब चलाते हैं तो आप यहाँ पर रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। जितने भी मिनट का, घंटों का आप यहाँ सेट करना चाहें, उतने देर बाद ये आपको रिमाइंड कराएगा कि आपको ब्रेक लेना चाहिए। रिमाइंड मी व्हेन इट्स बेड टाइम, अगर आपके सोने का कोई नियम है तो ये आपको वहाँ भी रिमाइंड करा सकता है। ये अपीयरेंस है, डबल टैप करके आप 10 सेकेंड्स का जो होता है उसको आप आगे पीछे कर सकते हैं। ये दोस्तों आपको पिक्चर इन पिक्चर का जो ऑप्शन दिख रहा है, ये कई यूट्यूब के अकाउंट्स में नहीं चलता है, इसके लिए प्रीमियम अकाउंट्स ज़रूरी होता है। और अब जो अपडेटेड एंड्रॉयड वर्जन आ रहा है, उसमें ये पिक्चर इन पिक्चर का ऑप्शन आपको देखने के लिए जो है मिलता है। इसी के साथ दोस्तों, जो डेटा सेविंग का आपको सेकंड ऑप्शन दिख रहा है, ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप देखिए, आपके में अभी ये जो है डिसेबल है डेटा सेविंग मोड। ये करेगा क्या, रिड्यूस कर देगा वीडियो क्वालिटी को, डाउनलोड क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा। वाईफाई के ऊपर आप इन सभी को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप अगर इसको ऑन कर देंगे तो देखिए, ये ऑटोमेटिकली सारे यहाँ पर इनेबल हो गए हैं, और आप जो है इसको यहाँ से डिसेबल कर दें अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपके पास डेटा कम है तो आप यहाँ से जो है इसको इनेबल करके रख सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, जो ऑटो प्ले की बात चल रही थी, जब एक वीडियो ख़त्म होता है तो 5 सेकंड का एक पॉज आता है, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो लाइन से लगा होता है वो प्ले हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि वो प्ले ना हो तो आप ऑटो प्ले को यहाँ से बंद कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, वीडियो क्वालिटी का प्रेफरेंस जो है, ये देखिए मोबाइल नेटवर्क पर और वाईफाई पर। मोबाइल नेटवर्क पर आप हमेशा रखें डेटा सेवर लोअर पिक्चर क्वालिटी, ये हमेशा 240 पिक्सल से शुरू करेगा। और आप अगर यहाँ हाई पिक्चर क्वालिटी रखेंगे तो ये आपके डेटा को और भी ज़्यादा जल्दी ख़त्म कर देगा। एडजस्ट टू गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस फॉर योर कंडीशन, अगर आप ऑटो रख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ भी अगर आपके मोबाइल में अच्छा डेटा नेटवर्क आता है तो भी ये जल्दी ख़त्म कर देगा। तो आप हमेशा डेटा सेवर पर इसको रख सकते हैं। इसी के साथ वाईफाई में आप रिकमेंड कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। जब वाईफाई आपके पास होता है तो आपको नेटवर्क की उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों, बैकग्राउंड्स एंड डाउनलोड्स आप देख रहे हैं। प्लेबैक जो है हमेशा प्रीमियम अकाउंट्स में होता है, अगर आप पावर बटन प्रेस कर देते हैं तो भी वो चलता रहता है, चाहे वो वीडियो हो, आप गाने सुन रहे हो। डाउनलोड्स आप देख सकते हैं, डाउनलोड की क्वालिटी आप कम कर सकते हैं, यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कि कितने साइज़ में हमेशा वो डाउनलोड हो, या आप आस्क ईच टाइम पर को सेलेक्ट करके रख सकते हैं जब भी आप डाउनलोड करें। आप अकेले वाईफाई पर डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। रिकमेंडेशंस आप देख सकते हैं, जो आपके पहले के डाउनलोड्स हैं उनको आप यहाँ से जो है डिलीट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों,
ये वॉच ऑन टीवी का आजकल ऑप्शन आने लगा है। यहाँ पर आपको जो आपकी डिजिटल टीवी होती है एंड्रॉयड टीवी, वहाँ पर जो कोड आता है वो कोड यहाँ इंसर्ट करना होता है, और सेम वाईफाई कनेक्शन पर अगर आपकी टीवी और आपका मोबाइल यूट्यूब अकाउंट है तो आप उसको जो है टीवी पर भी कास्ट कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वॉच ऑन टीवी का ऑप्शन हमने बता दिया है। स्ट्रीम पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर अगर आप चाहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई भाई या कोई और आपका फ़ोन चला रहा है, आप चाहते हैं कि जितनी देर वो YouTube चलाए हमें उसकी हिस्ट्री से मतलब नहीं है, हम उस हिस्ट्री को स्टोर करना नहीं चाहते हैं, तो आप जो है यहाँ पर सर्च और वॉच हिस्ट्री को पॉज कर सकते हैं और उसी तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं हिस्ट्री को भी। दोस्तों यहाँ पर दिए होते हैं परचेसेस और मेंबरशिप्स। इसके अलावा ये जो ऑप्शंस हैं ये आपको डेटा सेविंग के लिए, जो मैंने ऑप्शंस आपको इस वीडियो में बताए हैं वो सभी आपके लिए कारगर होंगे। और जो ये डेटा सेविंग मोड है दोस्तों, इस तरीके के जो ऑप्शंस हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर आपको मिलने लगे हैं, ताकि आपका डेटा जो है ज़्यादा ड्रेन ना हो, और जितने जल्दी ये अभी ख़त्म होता है उससे भी ये ज़्यादा टाइम लेगा और आप अपना काम कर पाएंगे, वीडियोस को देख पाएंगे और भी आपके डेटा का आप सही यूज़ कर पाएंगे, सारा डेटा यहाँ ख़त्म नहीं होगा। इस टिप्स और ट्रिक्स को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं ये वीडियो कैसा लगा। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।